खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर सेवन सी, खबर जो सच है। बता दें कि जन समस्याओं के प्रभावी निस्तारण के लिए उत्तराखंड के हर तहसील में महीने के हर मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। इस तहसील दिवस में जिला स्तर के सभी विभागीय अधिकारी भाग लेते हैं, जनता अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखती है तथा अधिकारी जन समस्याओं का निस्तारण तुरंत मौके पर कर लेते हैं। पर विकास नगर में आज सितंबर माह के मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील स्तर के सभी विभागीय अधिकारी मौके पर तो आए, पर कई जन समस्याओं का निस्तारण मौके पर उप जिलाधिकारी के माध्यम से किया गया, लेकिन कई लोग तहसील दिवस की कार्य प्रणाली से नाराज दिखे। किस प्रकार की मांग जो है यहाँ पे आप लोगों का? देखिए, सारे अधिकारी उपस्थित हैं, आए हुए हैं, लोग आ रहे हैं। कुछ जमीन से संबंधित विवाद है, किसी का पशुओं से संबंधित विवाद है कि कोई जानवर परेशान कर रहा है, तरह तरह की समस्याएं, किसी का पुस्ता लगाने से संबंधित समस्याएं। कोशिश की जा रही है और ये प्रयास भी है कि उसका मौके पर निस्तारण कर दिया जाए। कुछ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित है, उनका तत्काल निस्तारण कर दिया जा रहा है। कंसर्निंग ऑफिसर्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको यथासंभव निर्देश भी दिए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से उनके नियमानुसार उस पर तत्काल कार्रवाई करके उनको रिलीफ देने का प्रयास किया जाएगा। सर, अक्सर शिकायत रहती है कि तहसील दिवस मतलब होता है लेकिन जनता की जो शिकायतें हैं पूरी नहीं हो पाती हैं। कई बार जो है हमको भी खबरें आती हैं, हमारे पास भी लोग आते हैं, कारण क्या है सर? नहीं, जो शिकायत तहसील दिवस में रजिस्टर की जाती है उस पर क्या कंप्लायंस आया है, इसकी समीक्षा बैठक भी 2 बजे के बाद की जाती है। तो उस समीक्षा के आधार पर तय होता है कि जो शिकायत की गई उसका निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ। 100% शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा अगले तहसील दिवस में की जाती है, तो निश्चित तौर से उसके माध्यम से जहाँ भी कहीं खामियाँ रह जाती हैं या किसी शिकायत पर कोई निस्तारण नहीं हो सका है तो उस पर संबंधित विभाग से रिपोर्ट पृथक से भी अलग से तलब की जाती है। कितनी शिकायतें दर्ज हुई है अभी? तो अभी जो है शुरुआती चरण है, अभी 20-25 से 30-40 शिकायतें अभी लगभग आ चुकी हैं, एग्जैक्ट संख्या शाम को। और निस्तारण सर? निस्तारण भी मौके पे जो है किया जा रहा है, अभी एग्जैक्ट संख्या अभी देखनी पड़ेगी, लेकिन जो जन्म मृत्यु प्रमाण संबंधी 10-15 विषय हैं या वो हैं उनको तत्काल मौके पर। सर, कई बार ऐसा होता है कि आप जो है संबंधित अधिकारी को जो है निर्देशित करते हैं लेकिन वो मौके पर नहीं पहुँच पाते हैं और जो शिकायत करता है वो परेशान रहता है। अभी आया है एक मामला यहाँ। अगर संबंधित अधिकारी मौके पर नहीं जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं तो उसकी समीक्षा की जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर संबंधित शिकायतकर्ता आता है और दोबारा एप्लीकेशन पे कोई नहीं उपस्थित है तो उस पर उनका स्पष्टीकरण करके कार्रवाई भी की जाती है। थैंक यू। मटान, कहाँ से आए आप लोग? विकास नगर से आए हैं। मैं NGO में हूँ, महिला मूवमेंट फॉर इंडिया सॉल्यूशन से जिला अध्यक्ष अनुपमा टाक हूँ। क्या क्या शिकायत थी, किस प्रकार की मांग थी आपकी? हमारी मांग ये थी, तहसील दिवस पर हम यहाँ पर इसलिए आए थे, DTM कंपनी जो लगातार लोगों को घोटाला कर रही है, लगातार लोगों के बीच में जाकर बिजनेस के नाम पर घोटाला कर रही है, गरीब जनता को बहला फुसला कर उनसे पैसे ऐंठ रही है, वो शिकायत लेकर हम आज तहसील दिवस पर यहाँ पर आए थे। अच्छा, आपकी मांग पूरी हुई है क्या? जाए अभी तो हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई है, हमने अपने माध्यम से उनको लेटर दिया है और हमने उनको बताया है कि किस तरह की जनता को वो लूट रहे हैं, गरीब जनता को वो अपना शिकार बना रहे हैं और जगह जगह पर वो लोग मीटिंग करते हैं और इन लोगों को बुलाया जाता है कि CO साहब आ रखे हैं और आप लोग आओ और हम आपसे बात करेंगे CO साहब के सामने। लेकिन जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर इनके अलावा कोई नहीं होता, ना वहाँ CO साहब होते हैं, इन्हीं के लोग होते हैं। फिर ये लोग लोगों को डराते हैं कि हम तुम्हारे पर मुकदमा करेंगे, तुम गरीब हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई मुकदमा नहीं लड़ सकते हो, हम तुम्हारे पैसे नहीं देंगे, इस तरह की ये लोग बातें करते हैं। पहले भी शिकायत की आपने? हाँ जी, पहले भी करी हम लोगों ने। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला है कि हम लोग इसमें इंक्वायरी करेंगे और जो भी जाँच होगी हम बताएंगे, जो गलत होगा उसको उसके लिए कार्रवाई करेंगे। विश्वास है आप पे, अपने तहसील अधिकारियों पे? हाँ जी, विश्वास है, देखते हैं। अभी हमने लेटर दिया है अपने माध्यम से उनको, सूचना दी है। ऐसे में अगर कोई भी निवारण नहीं हो पाता है, जिस तरह की आपकी शिकायत है, तो आप क्या करोगे आगे? देखो, अगर निवारण नहीं होता है, ऐसे में कुछ नहीं होता है, तो ये जनता है, ये उग्र रूप धारण करेगी, जगह जगह धरने रखेगी, प्रदर्शन करेगी, है ना, यही सब होगा और क्या होगा। गरीब जनता है, मेहनत का पैसा है, वो मिलना चाहिए उनको वापस।